शिक्षा मंत्री जी थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो आप इस, वो आपके पीएस को नहीं आपको रोका गया है, आपके भ्रष्टाचार के कारनामों को उजागर किया जा रहा है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं मैं हमारे बच्चों को, क्या संदेश आपके माध्यम से जा रहा है? आज सरकार को इस तरह के शर्मसार स्थिति बनने से पहले ही एक्शन लेनी चाहिए थी, लेकिन आज पूरी तरह से राजद हावी हो चुका है, मुख्यमंत्री सत्ता के लिए लाचार बेबस हो चुका। राजद भ्रष्टाचार का साम्राज्य स्थापित करना चाह रहा है, कानून का राज खत्म है, अपराध भ्रष्टाचार चरम पर है। आज बिहार के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता आई है और शिक्षा विभाग को जिस हाल में छोड़ दिए हैं, शिक्षा मंत्री जी थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो आप इस्तीफा दे दें। वो आपके पीएस को नहीं आपको रोका गया है, आपके भ्रष्टाचार के कारनामों को उजागर किया जा रहा है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं शिक्षा विभाग में हमारे बच्चों को, क्या संदेश आपके माध्यम से जा रहा है? आज सरकार को इस तरह के शर्मसार स्थिति बनने से पहले ही एक्शन लेनी चाहिए थी, लेकिन आज पूरी तरह से राजद हावी हो चुका है, मुख्यमंत्री सत्ता के लिए लाचार बेबस हो चुके हैं और राजद भ्रष्टाचार का साम्राज्य स्थापित करना चाह रहा है, कानून का राज खत्म है, अपराध भ्रष्टाचार चरम पर है। और अगर जो समय रहते इस पर एक्शन नहीं लिया गया, जनादेश का अपमान करके चोर दरवाजे से आने वाले लोगों को आप उस जंगल राज को जनता राज बताकर गुंडा राज स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी थोड़ी सी भी आपको बिहार के जनता के प्रति दर्द है तो ऐसे भ्रष्टाचारियों से सरकार को मुक्त करें। अपराधी और भ्रष्टाचारी कभी सुशासन स्थापित नहीं कर सकता और ये लोग बिहार के बर्बादी के बड़े नायक बनेंगे। आज बिहार के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता आई है और शिक्षा विभाग को जिस हाल में छोड़ दिए हैं, शिक्षा मंत्री जी थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो आप इस्तीफा दे दें। वो आपके पीएस को नहीं आपको रोका गया है, आपके भ्रष्टाचार के कारनामों को उजागर किया जा रहा है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं शिक्षा विभाग में हमारे बच्चों को, क्या संदेश आपके माध्यम से जा रहा है? आज सरकार को इस तरह के शर्मसार स्थिति बनने से पहले ही एक्शन लेनी चाहिए थी, लेकिन आज पूरी तरह से राजद हावी हो चुका है, मुख्यमंत्री सत्ता के लिए लाचार बेबस हो चुके हैं और राजद भ्रष्टाचार का साम्राज्य स्थापित करना चाह रहा है, कानून का राज खत्म है, अपराध भ्रष्टाचार चरम पर है। और अगर जो समय रहते इस पर एक्शन नहीं लिया गया, जनादेश का अपमान करके चोर दरवाजे से आने वाले लोगों को आप उस जंगल राज को जनता राज बताकर गुंडा राज स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी थोड़ी सी भी आपको बिहार के जनता के प्रति दर्द है तो ऐसे भ्रष्टाचारियों से सरकार को मुक्त करें। अपराधी और भ्रष्टाचारी कभी सुशासन स्थापित नहीं कर सकता और ये लोग बिहार के बर्बादी के बड़े नायक बनेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।